इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर में कल शहबाज पठान के कत्ल को लेकर मौजू ज़ेर बहस रहा। कल शहबाज पठान का कुछ नामालूम गिरोह ने तेज हथियारों से हमला किया जिसमें शहबाज की मौत हो गई। शहबाज पठान उम्र 24 साल, आजम नगर का रहने वाला है। हासिल इत्तला के मुताबिक शहबाज पठान का मुत्यानट्टी के दो नौजवानों के साथ बहस हुई। बहस बिल्कुल मामूली थी कि बाइक से धक्का लगने की वजह से बहस हुई थी और बहस मारामारी में तब्दील हो गई। लिहाजा इस कत्ल को लेकर मुत्यानट्टी गांव के दो नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। मामूली बहस का आखिर कत्ल तक हो सकता है कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या वाकई छोटी सी बहस ही इस कत्ल की वजह बनी या और भी कुछ इसके पीछे मामला है? पुलिस तहकीक कर रही है। सिर्फ मोटरसाइकिल के ठोकर लगने का मामला हाथापाई में तब्दील होने के बाद शहबाज ने दोनों की पिटाई की थी जिसमें दोनों जख्मी हो गए थे। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल किया गया था। काकती पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया जिसमें शहबाज को जेल जाना पड़ा। जख्मी अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो शहबाज भी जमानत पर रिहा हुआ। लिहाजा जख्मियों को शहबाज का बदला लेना था। वो दोनों शहबाज पर नजर रखे हुए थे। किसी तरह इन दोनों को शहबाज से पुराना हिसाब किताब चुकाना था। लिहाजा रात को गैंगवाड़ी के करीब शेख अस्पताल के रास्ते से शहबाज कहीं तो पार्टी को जाने की खबर मुत्यानट्टी के इन दोनों को मिली। इन्होंने अपने कुछ और साथियों के साथ तेज हथियारों से इस पर हमला किया। शहबाज अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा पर हथियारों से लैस और बदले की आग में सुलगते हमलावरों ने शहबाज का खात्मा करना था। शहबाज दौड़ते हुए रिटायर्ड डीवाईएसपी प्रकाश अलीगर के घर के गेट में दाखिल हो गया पर कातिल वहां भी दाखिल हुए और उन्होंने शहबाज पठान का कत्ल कर ही दिया। आखिर इस कत्ल को उन्होंने अंजाम दे ही दिया। अब सवाल यही उठता है कि क्या अब फिर से बेलगाम शहर में गैंगवार शुरू हुआ है? वैसे पुलिस इंतजामिया ने पहले के मुकाबले में गुंडागर्दी या गैंगस्टर्स का खात्मा करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की हुई है। एक वक्त था जब बेलगाम में भी मुंबई की नहज पर गुंडागर्दी या गैंगवार हुआ करता था पर कुछ पुलिस अफसरों ने ऐसी वारदातों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए इन पर रोक लगा दी थी। लेकिन शहबाज का कत्ल क्या सिर्फ इंतकामी अमल समझा जाए या इसके पीछे कोई और कहानी है? बेलगाम शहर पिछले कुछ सालों से तमाम फसादात से महफूज है, लिहाजा इसकी तय तक पहुंचकर और भी वजूहात है क्या, इसकी तहकीक करें बेहतर होगा। अच्छे अच्छे डॉन आजकल सुकून की जिंदगी जीने पर मजबूर हो चुके हैं। ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि अगर फिर से गुनाह या जुर्म की दुनिया के रास्ते कुछ शरपसंद खोलना चाहते हैं तो इन पर कार्रवाई कर माशरे के अमन को बरकरार रखने की कोशिश करें। गुंडे हफ्ता वसूली करने वाले लोग वो होते हैं जो इस माशरे को दीमक की तरह अंदर से खा जाते हैं। पुलिस इंतजामिया को चाहिए कि गुनहगारों पर, मुजरिमों पर, गुंडों पर सख्ती से कार्रवाई करे ताकि आम इंसान अमन सुकून की जिंदगी बसर कर सके। अक्सर यह कहा जाता है कि जब पुलिस की चौखट पे इंसाफ नहीं मिलता तो लोग गुंडों के दरवाजे खटखटाते हैं और यहीं से गुंडा राज पनपता है। बेलगाम लोकसभा के लिए अभी चुनाव होना बाकी है। एमपी सुरेश अंगड़ी की कोरोना से मौत के बाद बेलगाम हल्के से इंतखाबात कौन लड़ेगा, इस पर बहस भी काफी दिनों से चल रही है पर कांग्रेस का ही प्रकाश हुक्केरी ने अचानक अपना रवैया तब्दील करते हुए कहा कि अगर मुझे किसी भी पार्टी से टिकट हासिल हो जाए तो चुनाव लड़ूंगा, जिससे सभी को ताज्जुब हो रहा है। क्या वाकई कांग्रेस के साथ प्रकाश हुक्केरी वफादार है या ये भी भाजपा के ही है एक कांग्रेस के बुजुर्ग कायद जिनकी उम्र कांग्रेस पार्टी में काम करते करते इनके बाल सफेद हो गए पर अब अचानक भाजपा का राग अलापते देखा गया। आवाम में ये भी शक होने लगा है कि आखिर किस पे भरोसा करे। प्रकाश हुक्केरी ने ये अल्फाज चिक्कोड़ी के एक निजी तकरीब में कहे। इनके फर्जंद गणेश हुक्केरी कांग्रेस से ही एमएलए मुंतखब हुए हैं पर प्रकाश हुक्केरी के इस बयान पर काफी लोगों को ताज्जुब जरूर हुआ है। आखिर भाजपा से ही इन्हें आखिर क्यों मोहब्बत हो रही है और कितने ऐसे कायद हैं जो कांग्रेस का परचम थाम कर भाजपा की मोहब्बत दिल में रखते हैं? या यूं कहिए कि जिस्म तो कांग्रेस का है पर धड़कने वाला दिल भाजपा, ऐसा सवाल भी अवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। लंबी मूछे रखने वाले प्रकाश हुक्केरी ने यह भी कहा कि अगर सुरेश अंगड़ी के किसी घर के अफराद को टिकट दिया जाता है तो मैं जी जान से उसे जीतने की कोशिश करूंगा। आखिर अपनी जान लगाने की बात कहने वाले हुक्केरी पहले ही भाजपा के
हो चुके हैं क्या, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। इनका आखिर यह जुमला क्या पैगाम देना चाहता है कि कांग्रेस हो या भाजपा, कोई भी टिकट दे दे मैं चुनाव लड़ूंगा। आगे, मैं समाज की खिदमत करना चाहता हूं और अभी भी मैं रिटायर्ड नहीं हुआ हूं, भगवान ने मुझे बहुत ताकत दी है ताकि आवाम की मैं खिदमत कर सकूं, ऐसा भी प्रकाश केरी ने कहा। अब तमाम बयानबाजी से ऐसा लग रहा है कि रमेश जारकीहोली की तरह जल्द भाजपा का दामन थाम कर कांग्रेस को ही हम हापके हैं कौन कहने के इम्कानात प्रकाश केरी के नजर आ रहे हैं। वैसे तो प्याज ने बेलगाम वालों की आंख में पानी लाया, तकरीबन 100 से भी ज्यादा रुपए फी किलो लिया जा रहा था, पर अब थोड़ा कम दाम में ईरान की प्याज बेलगाम बाजार में दाखिल हुए। वैसे भारत के तिजारती रिश्ते ईरान से बेहतर है, लिहाजा बेलगाम बाजार में भी ईरान की प्याज दाखिल हो चुके हैं। अब देखना यह कि बेलगाम और अतराफ की प्याज का जायका और ईरान की प्याज का जायका आवाम को कितना असर करता है। ईरान के प्याज की कीमत 6000 क्विंटल यानी 60 रुपया किलो में आवाम को हासिल होगी। मार्केट में सुंदरदास और मानिक इनके पास ईरानी प्याज मौजूद है। प्याज दिखने में बेहद ही खूबसूरत है, लाल रंग की प्याज दिखने में तो काफी अच्छी है, पर आवाम जायके के तौर पर कितना पसंद करती है अभी इसके नतीजे नहीं आए हैं। पिछले 4-5 दिन से प्याज के दाम भी 80 रुपए के करीब आए। ईरानी प्याज की आमद से मकामी प्याज के दाम थोड़ा घट गए और पर अभी भी आवाम की जानिब से जिस कदर ईरान की प्याज को फरोख्त करना था नहीं हुआ है, ऐसा ताजरों का कहना है। वहीं बेलगाम के आलू को तारीखी दाम हासिल हुआ है। बेलगाम बाजार में 5300 रुपये फी क्विंटल हासिल होना आलू का तारीखी दाम कहा जाता है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।